अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे मगज़ मसाला। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रेस्टोरेंट्स में ब्रेन मसाला या फिर मगज़ मसाला तैयार होता है, तो बिल्कुल वैसे ही आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और उसी तरह डिलीशियस है जैसे कि हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मगज़ लेंगे। एक अदद मैं यहाँ पर बड़ा वाला मगज़ ले रही हूँ और अब हम इसे साफ़ करेंगे। इसके ऊपर मैंने ठंडा पानी डाल लिया था, यानी कि तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसे ठंडे पानी में छोड़ दिया था। तो अब ये इसके ऊपर वाली जो जली है वो आराम से उतर रही है, ये आप देख सकती हैं। इसको पहले बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली आप इसे 10 मिनट के लिए ठंडे पानी में रख दें। अच्छी तरह से ठंडा किया हुआ पानी होना चाहिए, यानी कि जो फ्रिज का पानी होता है तो उस तरह ठंडा किया हुआ पानी होना चाहिए। और इसमें आप 10 मिनट के लिए इसे रख दें और फिर इस तरह आराम से इसके ऊपर वाली जो झिल्ली होती है वो आप उतार दें। जो इसकी नसें होती हैं तो वो आराम से उतर जाती हैं, ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। ये आप देख सकती हैं, ये एक क्लीन हो गया है। इसके ऊपर मैंने पानी डाल लिया था और अब मैं इसी तरह दूसरा क्लीन करूँगी। इसको मैंने बीच में हाफ हाफ कट कर लिया था ताकि मैं ईजीली इसको क्लीन कर सकूँ। दूसरा वाला भी हम इसी तरह क्लीन करके इसके ऊपर पानी डालकर रख देंगे। ये आप देख सकती हैं, तो ये ब्रेन हमारा तैयार है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसमें हम आधा टीस्पून या फिर एक चौथाई चम्मच हल्दी डालेंगे और इसे हम 5-6 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। बॉईल कर लेने के बाद एक छलनी में हम इसे डालेंगे इस तरह करके। ये आप देख सकती हैं, मैंने इसे 5 मिनट के लिए उबाल लिया था और ये हम इसमें छलनी में डालकर रख देंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी इसे निकल जाएगा और ये ठंडा हो जाएगा। तो हम इसे बड़े बड़े चंक्स में इस तरह करके कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसे चॉप नहीं करना, हल्का हल्का से ही हम इसे चॉप करके साइड पर रखेंगे। अब हम इस एक कढ़ाई लेंगे और इसमें तकरीबन 1/4 कप यानी कि 1/4 कप हम इसमें ऑयल डालेंगे। कम या ज़्यादा होगा तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये ताज़ा कुटा हुआ पेस्ट है जो कि अभी मैंने बनाया है। कोशिश करें कि आप जब भी कुकिंग करें तो आप ताज़ा कुटा हुआ अदरक और लहसुन ही लें। थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें चॉपकी हुई प्याज शामिल करेंगे। प्याज यहाँ पे मैं 2 अदद ले रही हूँ मीडियम साइज़ की, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज ना हो, अलबत्ता ये नरम होने शुरू हो जाए। यानी कि प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस इतना पकाना है कि ये नरम हो जाए। और नरम होने के बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं जिसको मैंने चॉप कर लिया है बारीक। ये हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मैं यहाँ पे इसमें तकरीबन 2 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा सुर्ख मिर्च का पाउडर मैं यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून यानी कि 1/2 खाने के चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। ये भी टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकती हैं। टर्मेरिक यानी कि हल्दी पाउडर 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे और इसके अलावा धनिया पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून। और अब हम मसालों को अच्छे से फ्राई करेंगे। याद रखें कि हीट आपने लो टू मीडियम रखनी है ताकि मसाले हमारे जलने ना पाए। इसी में अब हम काली मिर्च कुटी हुई ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च है, ये हम इसमें ऐड करेंगे, यानी कि पाउडर नहीं, कुटी हुई काली मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून यानी कि 1 छोटा चाय का चम्मच। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसे फ्राई करना है तो मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसे हल्का सा पानी का छींटा भी दे सकती हैं, लेकिन अगर आप आँच हल्की रखेंगे तो जलने का बिल्कुल भी ख़तरा नहीं होगा, ये नहीं जलने पाएगा। तो मसाला हमारा रेडी है। अब हम इसमें ब्रेन ऐड करेंगे जो कि हमने उबाल के रखा हुआ था साइड पर।
हम इसमें ऐड करेंगे और इस स्टेज पर हमने हल्का हल्का सा चम्मच चलाते हुए इस तरह करके इसे भूनना है। बहुत ज़्यादा हमने इसे मैश नहीं करना। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसे मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे, यानी कि अच्छे से भूनेंगे। और 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेने के बाद हम इसे ढककर पकाएंगे हल्की आंच पर। अब हम इसे ढककर पकाएंगे हल्की आंच पर तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5-6 मिनट के लिए आपने इसे हल्की आंच पर पका लेना है। और 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम फिर से इसे भूनेंगे। इस स्टेज पर आपने इसे भूनना भी है, साथ साथ मैश भी करते जाना है। इस तरह आप देख सकती हैं, मैं इसे मैश करती जा रही हूँ और भूनती जा रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसे मीडियम हीट पर भून लेना है। ये ऑयल इससे अलग होना शुरू हो गया है, ये आप देख सकती हैं कि ऑयल इसका अलग होना शुरू हो गया है, ये अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्चें चॉप की हुई और बारीक कटा हुआ जिंजर यानी कि अदरक शामिल करेंगे और ढककर हम इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। बीच में इसके ऊपर मैं 1 टीस्पून फेनुग्रीक लीव्स यानी कि कसूरी मेथी ऐड करी हूँ 1 टीस्पून, और गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ऊपर से हम डाल लेंगे इस तरह करके। और अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर हमने इसे पका लेना है। और 2 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकती हैं ऑयल इससे अलग हो चुका है और ब्रेड मसाला हमारा तैयार है। इसे आप गार्निश कर सकती हैं हरे धनिया के पत्तों से, लेमन वेजेस से और बारीक कटी हुई अदरक से। तो ये हमारा मगज़ मसाला तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।